हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, बस्तर जनजाति में तुम्बा। इस पाठ के लेखक रुद्र नारायण पाणिग्रही हैं। इस पाठ के पीछे लेखक के उद्देश्य हैं आदिवासियों के जीवन में जो तुम्बा फल का विशेष महत्व है उसको रेखांकित करना, जैसे कि तुम्बा के विविध रूपों में उसका उपयोग किया जाता है। तुम्बा औषधि के साथ साथ सब्जी, मिठाई, मुखौटा आदि के रूप में भी उपयोगी होता है। तुम्बा हमारी त्वचा के लिए भी लाभदायक है। इन सब चीज़ों से हमें अवगत कराना, पर्यावरण के संरक्षक के रूप में एक वस्तु के विविध प्रयोगों को प्रकाश में लाना। लेखक का उद्देश्य है कि जो पर्यावरण के संरक्षक के रूप में कोई एक विशेष वस्तु है तो उसका क्या क्या उपयोग हो सकता है उसको प्रकाश में लाना, लोक संस्कृति की विविधता, वहाँ के लोगों की मान्यताएं और जो वहाँ के लोगों के मन में भ्रम फैले हुए हैं उनसे परिचित कराना। बस्तर के जनजातीय समाज में तुम्बा या तुमा उनकी जीवन यात्रा का अहम हिस्सा है। बस्तर एक आदिवासी जनजाति है। वहाँ के समाज में तुम्बा या तुमा उनकी जीवन यात्रा का एक अहम हिस्सा है। उनके ग्राम्य जीवन में तुम्बा एक हम सफर की तरह विद्यमान है। बस्तर के आदिवासी समाज की तरह भारत के अन्य प्रदेशों के आदिवासी भी तुम्बा का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से बस्तर के लोग तुम्बा का प्रयोग करते उसी प्रकार से भारत के जो अन्य प्रदेश हैं उनमें भी जो आदिवासी रहते हैं वे भी तुम्बा का प्रयोग करते हैं। बस्तर के लोग उसे अपनी जनभाषा में तुमा या तुमड़ी कहते हैं। कहा जाना उचित भी होगा कि बस्तर की वनवासी संस्कृति में तुम्बा का बहुत ही अहम योगदान है। जब कभी बस्तर के ग्रामीण अंचल का आदिवासी, बस्तर का कोई भी आदिवासी अगर अपने परिवारों, हाट बाजारों, खेत खलियानों, कोर्ट कचहरी में या अपने सगे संबंधियों के यहाँ विशेष प्रयोजन से जाता है तो सुख दुख का साथी तुम्बा हमेशा उसके कंधों पर होता है, उसकी राह का हम सफर होता है। बस्तर का कोई भी आदिवासी जब भी अपने घर से बाहर निकलता है, किसी भी विशेष काम से वह घर से बाहर जाता है तो उसके सुख और दुख का साथी वह तुम्बा हमेशा उसके कंधों पर ही होता है, उसकी राह का वह हम सफर होता है। वे लोग जो बस्तर के लोग हैं वे हमेशा तुम्बा को अपने साथ अपने कंधों पर ही लेकर चलते हैं। बस्तर के जो लोग हैं वे तुम्बा अर्थात लौकी का सूखा फल। तुम्बा किसे कहते हैं? लेखक ने बताया है कि तुम्बा अर्थात लौकी जो फल है, लौकी जिसे हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसका सूखा हुआ फल जिसके सूख जाने के बाद उसका जो ऊपरी आवरण है वह सख्त हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। इस सख्त आवरण के अंदर के बीज तथा गूदे, सूखे हुए गूदे को सावधानी पूर्वक बाहर निकालकर उसका जो अंदरूनी भाग है उसकी सफाई कर ली जाती है तो वह जो सूखा हुआ आवरण है वह तुम्बा कहलाता है। लौकी हमारे जीवन में एक तरकारी यानी एक सब्जी ही नहीं है बल्कि एक औषधि के रूप में भी विद्यमान है। कहा जाता है कि लौकी की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। अफ्रीका से होती हुई लौकी भारत में पहुंची। लौकी का मानव के जीवन से बहुत ही पुराना नाता है। इसके प्रमाण मेक्सिको की गुफाओं में 7000 से 5500 वर्ष पूर्व और मिस्र के जो पुराने पिरामिड हैं ईसा से 3500 से 3300 वर्ष पूर्व, इन दोनों ही जगह इसकी उपस्थिति के हमें सबूत मिलते हैं। भारत में मालाबार तट और देहरादून के नम जंगलों में यह आज भी जंगली रूप में पाई जाती है। भारत में इसे हिंदी में हम लौकी कहते हैं, कई लोग कद्दू भी कहते हैं, दूधी, लौका, घिया आदि कई नामों से इसे जाना जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका वानस्पतिक नाम लेजिनेरिया सिसेरेरिया है। जो लौकी है इसका वानस्पतिक नाम है लेजिनेरिया सिसेरेरिया। यह दो प्रकार की होती है, एक तो बेलनाकार होती है और दूसरी गोलाकार होती है। लंबी लौकी जो होती है बेलनाकार, उसका आकार बोतल की तरह होने के कारण अंग्रेजी में उसे बोटल गार्ड भी कहते हैं। लौकी जनवरी से मार्च और वर्षा ऋतु में जून से जुलाई के महीनों में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके अलावा तो लौकी 12 महीने मिलती है लेकिन जो विशेष उसका समय होता है वो जनवरी से मार्च का होता है और जून से जुलाई का होता है। लौकी से तरह तरह के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। लौकी की एक खासियत यह भी है कि इसे व्रत या उपवास में भी खाया जाता है। इसका हलवा बनता है, सब्जियां बनती है, इसके छिलके से चटनी बनती है, लौकी का सांभर में भी प्रयोग होता है और लौकी से काफ़ी अच्छी मिठाइयां भी बनाई जाती हैं।
जहाँ इसके एक ओर काफी फायदे हैं, वहीं दूसरी ओर इसके नुकसान भी हैं। कभी भी लौकी का उपयोग करने से पहले यह जांच ले कि लौकी कड़वी है या मीठी। लौकी का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, उनमें भी किया जाता है। लौकी के ताजा छिलके को पीसकर लगाने से त्वचा में निखार आ जाता है। लौकी के जो पत्ते होते हैं, उनका रस निकालकर अर्श या मस्से पर लगाने से अर्श या मस्सा दूर हो जाता है। जिन्हें बवासीर की बीमारी होती है, अगर वे लौकी के पत्तों का रस निकालकर उस पर लगाएं, तो उससे यह बीमारी भी दूर हो जाती है। बस्तर की जन भाषाओं में लौकी के प्रकार को जो है कई नाम दिए गए हैं, जैसे कि लाऊ, बैस लाऊ, केंद्री लाऊ, लांबड़ी लाऊ, डीरा लाऊ, तुमड़ी लाऊ, पिता लाऊ, जोगी लाऊ, महादेव लाऊ, छानी लाऊ, कसा लाऊ, टिरका लाऊ, बांडा लाऊ आदि। जो बस्तर के जनजाति के जो लोग हैं, वे लौकी को कई नामों से पुकारते हैं। इस लौकी के पके हुए फल को बेल पर ही पककर सूख जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब बेल पूरी तरह से सूख जाती है, तो पके हुए सूखे फलों को तोड़ लिया जाता है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जो तुम्बा है वो कैसे बनता है। जो लौकी होती है, उसका जो फल पक जाता है, तो उस फल को बेल पर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जब बेल पूरी तरीके से सूख जाती है, जब बेल ही खत्म हो जाती है, तो जो पके और सूखे फल हैं, उन्हें तोड़ लेते हैं। इन फलों को कुछ समय के लिए छाव में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद इन सूखे फल के जो ऊपरी हिस्सा है गोलाकार, उसे काट लेते हैं, उसे काट कर अलग कर देते हैं, तथा उसके अंदर का जो हिस्सा है, उसके अंदर पानी भरकर छोड़ देते हैं। लगभग एक हफ्ते में उस सूखे हुए भाग में पानी भरने के कारण वह सड़ जाता है, जिसे नुकीले औजारों के द्वारा तुम्बा के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर जो भीतरी भाग है, उसे अंदर से सुखाकर साफ कर लिया जाता है। यही फल तुम्बा कहलाता है। अर्थात जो लौकी होती है, उसका जो बाहरी सख्त आवरण होता है, अंदर से वह साफ सुथरा कर लिया जाता है, तो वह जो लौकी का बाहरी आवरण होता है, वह ही तुम्बा कहलाता है। बस्तर की जनजातियों के द्वारा पकी हुई लौकी पर चाकू से उकेरे गए पारंपरिक चित्रों को यहाँ लौकी आर्ट या तुम्बा आर्ट कहा जाता है। लौकी आर्ट या तुम्बा आर्ट किसे कहते हैं? बस्तर की जनजातियों के द्वारा जो पकी हुई लौकी है, उस पर चाकू से पारंपरिक चित्र बनाए जाते हैं, और ये पारंपरिक चित्र ही लौकी आर्ट या तुम्बा आर्ट कहे जाते हैं। बस्तर के आदिवासी लोग अपने दैनिक जीवन की वस्तुओं के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं। वे उन वस्तुओं को सजाने संवारने में, सुंदर बनाने में बहुत ही दिलचस्पी दिखाते हैं। वे चाहे उनके हाथों पर हों, चाहे कंधे पर सजने वाले तीर धनुष हों, चाहे कोई कुलाड़ी हो, चाहे कोई कटार हो, चाहे उनके पारंपरिक गहने हों, कंगी हो या तुम्बा हो, वे सभी चीज़ों को कलात्मक रूप अवश्य देते हैं। अर्थात सभी चीज़ों में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, उन पर पारंपरिक चित्र बनाते हैं। तुम्बा में वे गर्म सलाखों और नुकीले औजारों की मदद से पारंपरिक रेखाओं को घेरते हैं। उनके रेखा चित्रों में उनकी कल्पना बसती है। जो बस्तर के आदिवासी लोग हैं, वो जो विभिन्न प्रकार के औजारों से अपनी जो पारंपरिक कलाएं बनाते हैं, उनकी जो रेखा चित्र है, उनमें के उनसे क्या प्रदर्शित होता है कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी कैसी कल्पना है, किस प्रकार के जीवन की वो कल्पना करते हैं, वो सब चीज़ें उनकी वहाँ पर दिखाई देती है। उनके चित्रों में बेल बूटे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं और मानव की आकृतियाँ होती है। इसके अलावा जो भी चीज़ वो पसंद करते हैं, जो भी वस्तु पसंद करते हैं, वे सब चीज़ें उनकी आर्ट में होती है। इस प्रकार से वे लौकी अपने जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं पर तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाते हैं। थैंक यू।